देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वैसे तो मनुष्य की जान पहचान मधुमक्खियों से तब से है जब से वो जंगलों, गुफाओं या कंदराओं में रहता था। लेकिन जब उसने सभ्यताओं में रहना सीखा तब उसने शुरुआत की मधुमक्खी पालन की। हालांकि आरंभ में मनुष्य मधुमक्खी पालन केवल संरक्षित वनों में ही करता था, जिन्हें मधुबन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शहद का जंगल। और इसके प्रमाण प्राचीन चित्रकला और अभिलेख के रूप में पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन बात अगर भारत की करें तो यहाँ के प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में सुग्रीव के मधुबन का जिक्र है, जिससे वो शहद प्राप्त करता था। इसके अलावा महाभारत में मथुरा के निकट मधुबन का जिक्र है, जहाँ राधा और कृष्ण मिला करते थे। लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ, शहर बने और मधुमक्खी पालन बनों के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता चला गया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब ये आंशिक रूप से सिर्फ कहीं कहीं ही देखने को मिलता था। ऐसे में 1947 को जब देश को आजादी मिली तो चौतरफा विकास कार्यों की शुरुआत हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी शामिल था। तब भारत सरकार ने खेती की उपज को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देते हुए इस पर अनेक कार्य किए, क्योंकि मधुमक्खी जब फूलों से पराग इकट्ठा करती है तो उससे पॉलन होता है, जिससे खेती की पैदावार कई गुना तक बढ़ जाती है। इसके अलावा इससे अनेक उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जैसे हनी, बी वैक्स, बी वेनम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और पॉलन, जो अनेक औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। मधुमक्खी पालन आज एक बड़े रोजगार के रूप में उभर रहा है और इस पर सरकार भी कई तरह से लोगों को सहायता दे रही है। लेकिन इसे और ज्यादा तेजी से बढ़ाया जा सकता है यदि देश का युवा अच्छी सूझबूझ के साथ इस क्षेत्र में आए, और वो सिर्फ मधुमक्खी पालन तक सीमित ना रहे बल्कि वो इसकी प्रोसेसिंग करके इसके उत्पाद बाजार में बेचे, जिससे वो सिर्फ खुद के लिए ही रोजगार का सृजन नहीं करेगा बल्कि वो और बहुत से लोगों को रोजगार देकर एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है।